राम राम जी सारा ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की जमा ओटनेस में एक बार फिर से स्वागत करूँ तो तारा खातर जमा एंडी खुशखबरी आएगी है, खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आगे समझ में मेरी बात मानो, काजू कतली का एक डिब्बा पैक करवा लो सारे के सारे जने, और आज तक हम कूदोगे खबर सुन दिए नू एक जगह खड़े हो ना खड़े खड़े नू कूदो नू पूरा जोर लगा के खबर देखो क्या है। सीईटी को किया जाएगा क्वालिफाई, कोर्ट ने सरकार को दिया ऑर्डर, कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, एक जना वीडियो बना रखी थी बोले 9 तारीख की सुनवाई कैंसिल होगी, 21 ना होगी, ऐसा कुछ को नहीं, कल कोर्ट का में सुनवाई हुई थी, आज अखबार का में आ रही है। 50+ वाले सारे जने तैयारी करनी शुरू कर दो भाई, 101% सीईटी क्वालिफाई होगा, खबर देख लो क्या कुछ आई है। उसका पहला भाई, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने लग रहा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की CGL CHSL किसी भी पेपर की तैयारी करने लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो टेस्ट बुक ऐप है इसके ऊपर तो हम लोग है प्रैक्टिस सेट लगा सको, ये सेल लेके आए हैं, ये 6 से 9 या 10 जून तक यह सेल बढ़ा दी गई है। इसका मैं कि अगर तुम JTT कोड लगाओगे, कोड JTT लगाओगे तो तरती एक्स्ट्रा 10% छूट मिलेगी, और ये जो पासबुक है पास है यो इनका टेस्ट बुक का 699 की बजाय तरती 449 रुपया मिलने लगे, JTT लगाओगे 10% छूट और भी मिल जाएगी, ठीक है। यो तो है प्रीवियस ईयर का था, यो अगर तो हमने सिंपल टेस्ट देने सिंपल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो RW पास है, मतलब पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन 269 रुपया का भी मिल जाएगा, JTT कोड लगाओगे 10% छूट और मिल जाएगी। टेस्ट बुक ऐप है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, सेल लग रही है, बिग सेविंग उट मार्च का है। ये खबर देख लो, खबर की है भाई, यो देख लो भाई, सीईटी पास आवेदक क्यों न किए जाए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल, कोर्ट की सुनवाई है, याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा, हाईकोर्ट ने सरकार से नोटिस जारी करके पूछा भाई सीईटी पास आवेदक क्यों न किए जाए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल, भाई क्यों ना इनको भी शामिल कर लिया जाए अगले पेपर के अंदर। अर्थात से कितने भी अखबार की कटिंग उठा के देख लो, जितने भी पुराने कोर्ट का हमें कोई भी फैसला आया है, जिस टाइम कोर्ट ने ये बात कही है ना कि भाई क्यों ना इनको हटा दिया जाए, क्यों ना इस पर सटे लगा दिया जाए, क्यों ना इनको नियुक्ति दे दी जाए, क्यों ना इनको बार कर दिया जाए, तो वो फैसला 100% होया करे, मतलब कि नो कह दिया ना भाई क्यों ना इनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए तो 100% कर जाओगा। पूरी खबर देख लियो, ये तो हम पुराने फैसले के आधार पर बताऊँ लगभग, देखो पूरी खबर की है, संयुक्त पात्रता परीक्षा पास लेकिन मेरिट में नीचे रहने वालों को ग्रुप सी व डी के 32,000 पदों के लिए अयोग्य करार देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, ठीक है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना सभी पात्रता परीक्षा पास आवेदकों को भर्ती में शामिल किया जाए, तो यानी कि इब सीईटी क्वालिफाई होने के 101% चांस हैं भाई, 101% चांस है सीईटी क्वालिफाई होने के। कोर्ट वैसे अगली सुनवाई 21 तारीख ना है, 21 ना ऑर्डर दे देगा भाई इनको सीईटी को क्वालिफाई करो, इन सबको शामिल करो, तो अपनी तैयारी इब शुरू कर दो, 50+ वाले जितने भी हैं सारे का नंबर आओगा इब। इससे पहले सरकार ने पदों के 4 गुना आवेदकों को ही स्क्रीनिंग के लिए बुलाने का निर्णय लिया था, जिसे चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, पहले तो खारिज कर दी थी हाईकोर्ट भी नोटिफिकेशन, बोले सरकार को अधिकार है कि भाई वो शामिल करें ना करें, ठीक है। आशीष कुमार वैन ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी पदों को भरने के लिए सीईटी लेने का निर्णय लिया था, परीक्षा में 50% अंकों को सामान्य श्रेणी के लिए तथा 40% अंक आश्रित श्रेणी के लिए क्वालिफाई अंक तय किए थे, ठीक है। यो इतना है सारा ज्ञान बांट रखे, आगा देखो आगा भी काम की चीज़ है, परीक्षा में सफल रहे। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि विज्ञापित पदों के 4 गुना आवेदकों को ही स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। याची ने कहा था कि इस प्रकार नियमों को बदल कर परीक्षा पास करने वाले अन्य आवेदकों को वंचित करना अन्याय है, परीक्षा पास करने वाले सभी आवेदकों को इन पदों के लिए मौका दिया जाना चाहिए, ऐसी याचिका लगाई गई थी, ठीक है। अब क्या सरकार को तय करना कि भर्ती प्रक्रिया कैसी पूरी करनी है, अब इसके आधार पर है सरकार और उसको अधिकार अब कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है। और एक और अखबार का मैं कटिंग आ रही, संयुक्त पात्रता परीक्षा में लो मेरिट वालों को क्यों ना अंतरिम राहत दी जाए, कोर्ट ने साफ साफ कही भाई क्यों ना इनको राहत दे दी जाए, कह दिया जाए इनको भी भर्ती प्रक्रिया के अंदर है शामिल किया जाए। आगे बात समझ में साफ सा वाई सेम टू सेम खबर वाई है इसका मैं भी, ठीक है। 12 मई को याचिका खारिज कर दी थी पहला, लेकिन पुनर्विचार याचिका जारी करी थी, अब 21 तारीख है, तारीख नई तारीख है दी गई है, कड़सिक दे रखा था, 5 लाख बार की कटिंग में दे रखा था कि निर्णय को खारिज करने की मांग करी थी, दे तो रखा था भाई 21 तारीख नई तारीख है, इतना बेरा है मना कड़ा लिख रखा था,
इस बार ध्यान कौन मेरा कड़े लिख रखा था, लेकिन मैंने देखा था नेक्स्ट तारीख 21 तारीख दी है, ठीक है। 21 जो जून है वो आपकी अगली तारीख है, कोर्ट ने दी है भाई 21 जून तक है अपना वो है सरकार, और जो आपका क्या है कमीशन है आपका जो HSSC है वो अपना जवाब है पेश करे कोर्ट के अंदर कि भाई क्यों ना इनको राहत दी जाए। और देखो यार हाई कोर्ट ने सरकार को 21 जून तक इस मामले में जवाब दायर करने का है आदेश दिया है। दिख गया भाई यार हाई कोर्ट ने इस मामले में 21 जून तक दिख दे होंगे अक्सर 21 जून तक इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का है नोटिस दिया है, ठीक है। यानी कि इफ CET क्वालिफाई होने के चांस हैं 101% हो गए हैं भाई, CET आपका 101% चांस है कि क्वालिफाई हो जाएगा। जब भी कोर्ट ने ऐसी बात की भाई क्यों ना इनको ये कर दिया जाए क्यों ना वो कर दिया जाए, तो वो 101% कराया करें वो कि हाँ भैया चीज़ होगी वैसे समझो क्यों ना, तो वैसे एक फॉर्मेलिटी के डाल पूछा जाया करें, बाकी कोर्ट अपना ऑर्डर ही देगा, ठीक है। और पक्का गारंटी देने लगे रहा हूँ 101% क्वालिफाई होगा, तैयारी का जुट जाओ जमा, पॉजिटिव न्यूज़ है, मन राजी हो गया तारा, हो गया होगा तैयारी का मत जुट जाओ। और मैं तारती बताया दिया है जितने भी पेपर 24-25 जून का पेपर है यो तारा के नाम है, CET का प्रैक्टिस सेट की बुक आ रही है अपनी मार्केट में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कम है और रिवीजन सेट ज़्यादा है, इस तक के है तारी रिवीजन हो जाए पूरा का पूरा पेपर की, जो करिए CET मेन से ग्रुप 57। खास बात के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का हमें अवेलेबल है, ठीक है। अगली खास बात की इसका मैं EVS रूरल मार्केटिंग रोड सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट हरियाणा इकोनॉमी ये सारे टॉपिक के पर्सन भी शामिल हैं, ठीक है। जुकर तारती दिखा देता हूँ एक सेट तारती, जुकर और जो सॉल्यूशन दे रखे मैथ रीजनिंग के पर्सन आगे शॉर्ट ट्रिक तक दे रखे, जुकर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जुकर मैथ का पर्सन 8 व्यक्तियों के औसत आयु एवरेज ऑफ दोनों मीडियम का मैं दे रखे पर्सन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का मैं, ठीक है। और एक अलग सुथरा पैटर्न बनाया रखा है भाई, जुगर 10-15 पर्सन मैथ के, 10-15 रीजनिंग के, 10% कंप्यूटर के, जुकर कंप्यूटर है कंप्यूटर के भी देखो संबंध वेब पेजों के संग्रह को डेस्क का जाता है, एक कलेक्शन ऑफ दोनों मीडियम का मैं है, ठीक है। उसके बाद तारा के नाम है रोड सेफ्टी के पर्सन, देखो भारत में मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 की थीम क्या थी, ठीक है, भूकंप का मापन ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, जिला स्तर की आपदा प्रबंधन वो यो EVS का है, वनों को नष्ट करने वाला, ठीक है। और मतलब कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक रूरल मार्केटिंग का पर्सन है, इंग्लिश के पर्सन है, मतलब पूरा एक तामना एक सुथरी सी रिवीजन लाग जाए तारी, इंडिया जीके के भी पर्सन है, अगर हरियाणा जीके के 20 पर्सन है, हरियाणा करंट अफेयर भी है, हिंदी भी है, ये रे हिंदी बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगे बताओ फटाफट कमेंट करके, ठीक है। तो मतलब सारा का सारा है, और आखिरी में इसकी आंसर की दे रखी है, देखो रीजनिंग के पर्सन भी है, आखिरी में इसकी ये सॉल्यूशन है, हरियाणा इसकी आंसर की दे रखी है, सारे मैथ के पर्सन आगे रीजनिंग के पर्सन आगे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मार्केट में तम किसी दुकान पर जाकी है या अपनी बुक परचेज कर सको हो, क्योंकि धरती गुड न्यूज दे दी है, कुत्ते भी पूरा हरियाणा का में सारी जगह अवेलेबल है, इसार का में ज्ञान बुक डिपो जवाहर नगर बस स्टैंड के ऊपर जो दुकान उसके ऊपर भी अवेलेबल है, अपना यो के नाम फुहारा चौक पसंजय बुक डिपो पर अवेलेबल है, और अपना उड़ना के नाम है रेलवे स्टेशन का द्वारा श्री राम बुक डिपो पर अवेलेबल है, इसके अलावा जो रॉयल बुक डिपो है परिजा चौक का द्वारा अवेलेबल है, और अपना नागोरी गेट पर प्रेम बुक डिपो है उसके ऊपर अवेलेबल है, आड़ आड़ इस हारका में अवेलेबल है, बाकी पूरा हरियाणा का में अवेलेबल हो चुकी है, कल तक है एक दो दुकानदार नहीं पहुँच चूड़ भी पहुँच जाएगी आगे बस समझ माँ इस तारीख है, मैं गणी नहीं तो इतनी गारंटी जरूर ले सकूँ हूँ, तारा 10 नंबर का मैं तो पक्का सहायता करी, 10 नंबर का इजाफा तारा पक्का हुआ 101%। जब तम इसकी पढ़ की देखोगे ना, इसके नुक्की नुआद मतलब एक सेट की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ी है, इसकी जब तम पढ़ की देखोगे तारा मैं अपने आप नुआ जाएगा हाँ भाई ये पर्सन तो कुछ एक तो नए पर्सन टकरे हैं, तारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। 15 प्रैक्टिस सेट 120 रुपया मिल जाए मार्केट में, अगर किसी ने मार्केट में नहीं मिलने लग रही तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम, थोड़े बुक्स का सेक्शन में जाओगे उड़ो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सको बुक, ठीक है भाई। या सूचना तारती देनी थी CET क्वालिफाई हो गया है वैसे समझो, तो तैयारी का में जुट जाओ, इबे बता दिया तार लगी, इबे तैयारी का में जुट जाओ 101% क्वालिफाई होगा, मैंने कह दिया इसकी जैसे रिकॉर्डिंग कर लो 101% क्वालिफाई होगा, जानकारी मिल चुकी है, मेरी बुआड़ा छोरा लगी रहा कोर्ट में, ठीक है, जज का रीडर है तो मैंने बता दिया ना तार लगे 101% क्वालिफाई होगा, अपना तैयारी करो बस, ठीक है। सर राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेचो फटाफट।